एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सयान लीशिन को लेकर एक गांव में आती है। सयान किसी को ढूंढ रही है तो वो गांव में घूमकर सबसे पूछताछ करने लगती है, पर लीशिन को बूढ़े लोगों की मदद करने के लिए वो छोड़कर गई होती है। लीशिन को फार्मिंग नहीं आती फिर भी उसको करना पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है और सयान के ऊपर उसको काफी गुस्सा आ रहा होता है। वही क्योंग जो एक पेशेंट का थेरेपी सेशन ले रही होती है, उस पेशेंट ने चश्मा पहना होता है तो चश्मे में खुद का चेहरा देखकर क्योंगजू को पास्ट की कुछ बातें याद आ जाती है। कुछ देर बाद हम क्योंगजू को हॉस्पिटल के बाहर बैठा देखते हैं। वहाँ पर लीगन आता है और कहता है, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था, चा सियोन ट्रेनिंग करने चली गई, तुम्हारे पास उसको कन्विंस करने के लिए ये काफी अच्छा मौका था, तो तुम उससे मिलने क्यों नहीं आई। वो देखता है कि क्योंगजू उदास है तो वो उससे पूछता है आखिर बात क्या है, पर क्योंगजू नहीं बताती है और कहती है हमें एजेंसी जाना है ना, तो चलो चलते हैं। लीगन काफी सोच में पड़ जाता है कि इसको क्या हो गया है। वही लीशिन नदी के किनारे बैठा होता है और उसके चेहरे और कपड़ों पर मिट्टी लगी होती है। खेतों में काम करने की वजह से उसका पूरा बॉडी दर्द कर रहा होता है। वो कहता है आखिर वो इस गांव में करने क्या आई है, मुझे काम पर लगाकर खुद पूरा गांव घूम रही है। तभी सयान काफी उदास होकर वहां पर आती है। लीशिन उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ है, तो सयान बताती है कि वो जिस पर्सन को ढूंढ रही है वो उसको नहीं मिला। लीशिन कहता है मुझे तो ऐसा लगता है कि उस पर्सन को पता था कि तुम उसको ढूंढने आओगी, इसीलिए वो तुमसे डरकर भाग गया होगा। सयान कहती है कहीं सच में यही बात तो नहीं है। सयान उदास है, देखकर लीशिन को अच्छा नहीं लगता है तो वो उसको चीयर अप करने के लिए उसके ऊपर पानी फेंकने लगता है। इससे सयान का मूड अच्छा नहीं बल्कि और खराब हो जाता है, तो वो उसके पास आती है और उसको उठाकर नदी में पटक देती है जिससे वो पूरी तरह से भीग जाता है। फिर हम लीशिन को उसके कार में देखते हैं। वो कहता है मैं तो बस उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था, तो उसको वैसा करने की क्या जरूरत थी और वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे है। सयान वहाँ पर आती है तो लीशिन ने कार का डोर लॉक करके रखा होता है। वो कहता है तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था, अब खुद अपने पैरों पर चलकर सियोल आ जाना। फिर वो उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। क्योंगजू लीगन के साथ एजेंसी जा रही होती है तभी उसको सयान का कॉल आता है। सयान कहती है मैं अभी एक गांव में हूँ पर मेरे पास टैक्सी के लिए पैसे नहीं है, तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे ट्रांसफर कर सकती हो। क्योंगजू से पूछती है तुम वहाँ गई ही क्यों थी, तो सयान उसको बता देती है कि वो किसी को ढूंढने आई थी। क्योंगजू कहती है बस रात होने ही वाली है तो रात को टैक्सी से आना सेफ नहीं है, इसीलिए तुम वहीं पर रुको मैं तुम्हें लेने आती हूँ। तो सयान उसको अपना लोकेशन सेंड कर देती है। क्योंगजू टैक्सी से वहाँ जाने वाली होती है तो लीगन कहता है तुमने अभी कहा कि रात को टैक्सी से ट्रैवल करना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ जाने लगते हैं और रात भी हो चुकी होती है, पर लीगन अचानक रास्ते में गाड़ी रोकता है क्योंकि रोड साइड में एक जानवर मरा पड़ा होता है, तो दोनों मिलकर उसको दफना देते हैं। क्योंगजू को सयान कॉल करती है और कहती है मुझे कोई मिल गया है जिसको मैं जानती हूँ, तो मैं उसके कार से सियोल वापस आ रही हूँ, इसीलिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। क्योंगजू लीगन को बताती है कि अब उनको उस गांव में जाने की जरूरत नहीं है और उसको वापस सियोल चलने को कहती है। दरअसल सयान लीशिन के साथ होती है। लीशिन कहता है मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ पूछना था, तुम आखिर किसे ढूंढ रही हो, तो सयान कहती है तुम ये जानकर क्या करोगे। लीशिन कहता है मुझे नहीं पता, पर शायद हो सकता है कि मैं उसको जानता हूँ क्योंकि इस गांव से मेरे भी कुछ रिश्ते हैं। तो सयान कहती है मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसे ढूंढ रही हूँ, मैं छोटी थी तो वो लड़का इस गांव में रहा करता था। उसकी बातें सुनकर लीशिन सोचने लगता है कि कौन हो सकता है। वही रास्ते में क्योंगजू और लीगन कुछ खाते हैं क्योंकि उनको भूख लग गई थी। यहाँ पर क्योंगजू उसको बताती है कि आज वो इतनी उदास क्यों थी। वो कहती है मेरे डैड भी एक डॉक्टर हुआ करते थे और वो भी एक साइकाइट्रिस्ट ही थे, वो पेशेंट्स की प्रॉब्लम को खुद की प्रॉब्लम की तरह देखते थे, उनके लिए अपने परिवार से पहले उनके पेशेंट्स आते थे, पर एक दिन उनका मर्डर कर दिया गया। मैं दिखाना चाहती थी कि मैं अपने डैड से अलग हूँ, मैं हमेशा पेशेंट से दूरी बनाकर रखती हूँ ताकि उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व ना हो जाऊँ। पेशेंट्स मेरे पास ठीक होने की उम्मीद से आते हैं और मुझसे अपनी दिल की बातें शेयर करते हैं, पर मैं अपना काम अच्छे से नहीं करती हूँ, ऐसे में कौन ही मेरे पास आना चाहेगा। तो लीगन कहता है तुम्हें ऐसा लगता है पर तुम्हारे पेशेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते होंगे, तुम उनके साथ बैठकर उनकी वो बातें सुनती हो जो कि वो किसी और को नहीं बता सकते, तुमसे अपनी बातें कहकर उनका मन थोड़ा हल्का हो जाता है, उनके लिए यही काफी है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे सभी पेशेंट्स को पता है कि तुम अपने काम के प्रति कितनी सीरियस हो, इसीलिए तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। लीगन उससे और भी काफी कुछ कहता है जिससे
क्योंगजो थोड़ा अच्छा फील करने लगती है। वो दोनों जब सियोल पहुंच जाते हैं तो ली गन क्योंगजो को उसके नेबरहुड में छोड़ देता है क्योंकि आज वो अपने घर पर रहने वाली है। ली गन कहता है तो कल हम स्टेडियम में मिलते हैं, कहकर वो चला जाता है। रात को हम ली गन को अपने ऑफिस में काम करते हुए देखते हैं। आज क्योंगजो यहाँ पर नहीं है तो वो उसको काफी मिस कर रहा होता है। अगले दिन जब ली गन और क्योंगजो स्टेडियम आते हैं तो क्योंगजो ली गन को देखती रह जाती है। ली गन उसे कहता है कहीं मेरा हैंडसम चेहरा देखकर तुम मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई। क्योंगजो कहती है अपनी बकवास बंद करो, फिर वो अंदर चली जाती है। कोरिया टेनिस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के पास हम गुबोंग को देखते हैं। हमें यहाँ पर पता चलता है कि गुबोंग को नेशनल टीम कोच के तौर पर सिलेक्ट कर लिया गया है। तभी वहाँ पर ली गन आता है और गुबोंग को देखकर हैरान रह जाता है। वो कहता है तूने तो कहा था कि तू नहीं आएगा। गुबोंग कहता है मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, फिर वो बाहर चला जाता है। क्योंगजो ली सिन को देखती है तो वो उससे पूछती है कि वो कल थेरेपी सेशन के लिए क्यों नहीं आया था, पर ली सिन उसको जवाब नहीं देता है और उसको इग्नोर करके चला जाता है, जिससे क्योंगजो काफी हैरान रह जाती है। चा सियोन जब फिजिकल टेस्ट के लिए जा रही होती है तो काफी सारे लोग उसको चीयर अप कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नर्वस होकर बेहोश हो जाती है। जब उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है तो क्योंगजो को पता चल जाता है कि चा सियोन बेहोश नहीं हुई है, वो तो नाटक कर रही है। क्योंगजो उसको उठने के लिए कहती है तो चा सियोन उठकर कहती है मैं सच में काफी ज्यादा डिजी फील कर रही थी। क्योंगजो कहती है हम जब भी कोई चीज स्टार्ट करने वाले होते हैं तो लोग हमें चीयर अप करते हैं, अगर तुम्हें इससे दिक्कत है तो चीयर अप मत होना। तुम शायद आज अच्छा ना कर पाओ पर वहाँ पर तुम्हारे होने का कोई तो मतलब है, तुम्हें बस वही करना है जो तुम अब तक करती आ रही हो, तो इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है। चा सियोन कहती है टेंशन कैसे ना लूं, लोगों ने मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीदें जो लगा रखी है। तो क्योंगजो कहती है लोगों के एक्सपेक्टेशन के बारे में तुम इतना ज्यादा मत सोचा करो, तुम्हें जो करना पसंद है उसमें तुम्हें सफलता मिले या फिर नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस काम को करके अगर तुम्हें खुशी मिलती है और उस काम को पूरा करने के लिए तुमने अपना बेस्ट दिया यही मैटर करता है। चा सियोन कहती है अगर मैंने टेस्ट में बहुत खराब परफॉर्म किया तो मेरे साथ कौन ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहेगा। एम्बुलेंस में ली गन भी होता है तो वो कहता है कोई रहे या ना रहे पर मैं हमेशा रहूंगा। क्योंगजो और ली गन से बात करने के बाद अब चा सियोन काफी अच्छा फील करने लगती है। फिर वो तीनों स्टेडियम वापस आते हैं और चा सियोन अपना फिजिकल टेस्ट के लिए चली जाती है। ली गन क्योंगजो से कहता है नेशनल टीम बेस्ट प्लेयर से बनाई जाती है, चा सियोन के पास जो स्किल्स है उससे वो नेशनल टीम तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। फिर हमें वो सीन दिखाया जाता है जब ली गन KTA के प्रेसिडेंट से मिलने आया था। ली गन कहता है चा सियोन की स्पेशलिटी वॉली है, नेट प्ले में उसको कोई मैच ही नहीं कर सकता। वो प्रेसिडेंट को रिहैब डॉक्टर के ओपिनियन और बिग डाटा फाइल देता है और कहता है मैंने जिस प्लेयर को रिकमेंड किया है अगर वो उसके साथ टीम अप करती है तो उसके जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। और हमें पता चलता है कि ली गन ने जिसको रिकमेंड किया है वो ली सिन है, इसका मतलब कि चा सियोन ली सिन के साथ टीम अप करने वाली है। ये सभी बातें ली गन स्टेडियम के बाहर बैठकर क्योंगजो को बता रहा होता है। क्योंगजो अपने जेब से कुछ धागा निकालती है और ली गन को पकड़ने को कहती है, फिर वो धागे से चा सियोन के लिए ब्रेसलेट बनाने लगती है। ली गन को फोन आता है पर उसने धागा पकड़ रखा होता है तो क्योंगजो उसके जेब से फोन निकालती है। उसके जेब में फोन चार्जर का रसीद भी होता है जो कि क्योंगजो देख लेती है। तभी ली गन उसके हाथों से वो रसीद ले लेता है। क्योंगजो उससे रसीद छीनने लगती है और कहती है मुझे जो चार्जर मिला था ये उसका ही रसीद है ना, इसका मतलब तुम ही चार्जर खरीद कर लाए थे। ली गन कहता है देखो तुम मेरे इतने करीब मत आओ नहीं तो मैं तुम्हें फिर से लाइक करने लगूंगा। ये सुनते ही वो पीछे हट जाती है। तो ली गन कहता है क्या तुम्हें इस बात से इतना ज्यादा डर लगता है। तभी अचानक क्योंगजो उससे रसीद छीनने की कोशिश करती है, इस चक्कर में वो उसके ऊपर गिर जाती है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी ली गन को फोन आता है तो क्योंगजो उसके ऊपर से हट जाती है। फोन चा सियोन ने किया होता है, वो बताती है कि उसने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है, जो सुनकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं। ली गन उसको कांग्रेचुलेट करता है और पूछता है कि टीम डॉक्टर का क्या करना है, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। चा सियोन कहती है आपको जो सही लगे वो करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर वो कॉल कट कर देती है। क्योंगजो से पूछती है कि चा सियोन ने क्या कहा, तो ली गन कहता है मुझे नहीं पता और वहाँ से जाने लगता है। तो क्योंगजो उसके पीछे आती है। फिर हम गुबोंग और ली सिन को बात करते हुए देखते हैं। गुबोंग कहता है मैंने सुना कि तुम चा सियोन के साथ टीम अप करने वाले हो, तुमने तो बताया था कि तुम्हें टीम अप मैच खेलना पसंद नहीं है, तो आखिर तुम्हारा माइंड कैसे चेंज हो गया। तो ली सिन कहता है क्योंकि मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसीलिए मैं कुछ नया ट्राई करने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तभी वो दोनों ली गन और क्योंगजो को साथ में देखते हैं। गुबोंग कहता है ये डॉक्टर यहाँ पर क्या कर रही है। क्योंगजो ली गन से बार बार
बार पूछ रही होती है कि चासियो ने उसके बारे में क्या कहा था। तो लीगन कहता है तुम्हें घर चले जाना चाहिए क्योंकि कल से तुम काम शुरू करोगी तो बहुत ज्यादा बिजी रहने वाली हो, तो जाकर रेस्ट करो। लीगन ने उसको काम पर रख लिया है जानकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लीगन को स्माइल करते देखकर गुबोंग को बहुत अच्छा लगता है, पर जब गुबोंग को लिसिन बताता है कि क्योंग जो लीगन की फर्स्ट लव है तो वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उन दोनों को साथ में देखकर लिसिन उदास होता है जिससे गुबोंग सोचने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। शाम को कोच के साथ एक होटल में मीटिंग होती है तो लीगन चासियोन को लेकर वहाँ पर पहुँचता है। उन दोनों को गुबोंग बताता है कि इंटरप्रेटर भाग गया है क्योंकि इटालियन कोच को हैंडल करना बहुत मुश्किल है। अब वो लोग इस वक्त इंटरप्रेटर कहाँ से लाएंगे सोचकर काफी परेशान हो जाते हैं। लीगन चासियोन से कहता है तुम अंदर जाकर बैठो, मैं कुछ करता हूँ। क्योंग जो सयान के साथ बार में ड्रिंक करने आई होती है तो चासियोन उसको कॉल करती है और उसको सारी सिचुएशन बताती है। सयान को इटालियन बोलना आता है तो क्योंगजू उसको लेकर होटल पहुंचती है। क्योंगजू सयान को समझा देती है कि उसको क्या काम करना है। सयान को पता चलता है कि इस काम के लिए उसको पैसे भी मिलेंगे, इससे वो बहुत खुश हो जाती है। सयान अंदर कोच के पास चली जाती है। वहीं गुबोंग क्योंगजू से कुछ बात करना चाह रहा होता है तो वो उसको साइड में लेकर आता है और कहता है तुम लीगन का पीछा छोड़ दो, तुम उसकी डॉक्टर हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि लीगन की जिंदगी कितनी मुश्किल भरी रही है। तुम्हें ये भी पता होगा कि रीयूनियन पार्टी के बाद वो हान रिवर में क्यों कूद गया था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने ही तुम्हें बताया था कि उसने अपनी फर्स्ट लव की वजह से किया था। क्योंगजू कहती है क्या तुम्हें इस बात का डर है कि मैं उसकी फर्स्ट लव हूँ तो उसको अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आ जाएगी। तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको कुछ भी याद ना आए। तो गुबोंग कहता है देखो तुम्हें उसके साथ होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इस वजह से तुम तीनों के लिए चीजें मुश्किल हो जाएगी। क्योंगजू को पता चलता है कि जिस आदमी ने लीगन से उसका फर्स्ट लव छीना था वो लिसिन है। गुबोंग कहता है तुम उसकी टीम डॉक्टर और डॉक्टर इंचार्ज बनना छोड़ दो और उससे दूर चली जाओ, तुम उन दोनों भाई के साथ खेलना बंद कर दो। तभी वहाँ पर लिसिन आ जाता है और कहता है तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम ये कह रहे हो कि डॉक्टर क्योंगजू और मेरे बीच कोई रिश्ता है। लीगन पार्किंग लॉट से चासियोन का सामान लेने आया होता है तो उसको रीयूनियन वाले दिन की मेमोरीज याद आने लगती है क्योंकि रीयूनियन पार्टी इसी होटल में थी। उसको याद आने लगता है कि उसने लिसिन को अपनी फर्स्ट लव के साथ किस करते हुए देखा था। पुरानी मेमोरीज याद आने की वजह से उसका राइट हैंड फिर से दर्द करने लगता है। गुबोंग कहता है लीगन ने रीयूनियन पार्टी में सब कुछ देख लिया था जब तुम और उसकी फर्स्ट लव पार्किंग लॉट में साथ में थे। ये सुनकर लिसिन शॉक्ड हो जाता है। वो अपने मन में कहता है उस दिन मैंने जिस लड़की को किस किया था वो मेरे भाई की फर्स्ट लव है, तो इसका मतलब क्योंगजू उसकी फर्स्ट लव नहीं है, तो फिर उसकी फर्स्ट लव सयान है। लीगन मीटिंग रूम में पहुंचता है तभी वहां पर सयान भी आ जाती है। वो कहती है मेरा नाम सयान है और आज के लिए मैं आपकी इंटरप्रेटर हूँ। लीगन और सयान एक दूसरे के साथ हैंडशेक भी करते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।